तो गाइज मैंने एक एंड्रॉइड ऐप बनाया है लाइव स्ट्रीमर्स के लिए, जो कि मैंने खास तौर पे मोबाइल लाइव स्ट्रीमर्स को ध्यान में रख के बनाया है, मोबाइल लाइव स्ट्रीमर्स के ज्यादा से ज्यादा काम को आसान बनाने के लिए। अगर आपके पास पीसी है और आप लोग अगर पीसी वगैरह से भी लाइव स्ट्रीम करते हो तो भी आप लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हो और इस ऐप के बारे में जान सकते हो। हो सकता है आपका भी कोई ना कोई काम ये ऐप आसान कर दे या फिर आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐप है किस बारे में। देखो, जब भी कोई भी मोबाइल लाइव स्ट्रीमर किसी भी मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग ऐप को यूज करके लाइव स्ट्रीम करता है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो ऐसे यूट्यूब के कई सारे फीचर्स है, यूट्यूब के ऐसे कई सारे ऑप्शंस है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग रिलेटेड है, बट उन ऑप्शंस का उन फीचर्स का यूज मोबाइल लाइव स्ट्रीमर नहीं कर पाता है अपनी लाइव स्ट्रीम पे। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो सारे ऑप्शंस मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग ऐप में अवेलेबल नहीं होते, और कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो कि मोबाइल लाइव स्ट्रीमर्स को पता भी नहीं है कि यूट्यूब के ऐसे भी ऑप्शंस हैं, ऐसे भी फीचर्स हैं जो वो लोग यूज कर सकते हैं अपने लाइव स्ट्रीम के लिए। और मैं कौन से ऑप्शंस की बात कर रहा हूं अगर मैं ये आप लोगों को बताऊं, तो ऑप्शन जैसे कि आप लोग अपने लाइव चैट में कभी भी स्लो मोड ऑन कर पाओ, अगर आपकी लाइव चैट बहुत ही स्पीड से चल रही है तो आप लोग स्लो मोड ऑन कर पाओ जब मन चाहे तब, या फिर आप लोग अपने लाइव चैट में कभी भी वोटिंग पोल क्रिएट कर पाओ जब मन चाहे तब। आप लोगों ने वोटिंग पोल क्रिएट कर दिया, जितने मन चाहे उतने वोटिंग पोल क्रिएट कर दिया अपने लाइव चैट में, उसका ऑप्शन। या फिर आप लोग सब्सक्राइबर ओनली मोड ऑन करवाओ अपने लाइव चैट में, जब मन चाहे तब सब्सक्राइबर ओनली मोड ऑन कर लो, जब मन चाहे तब एनीवन कैन मैसेज वाला मोड ऑन कर लो। या फिर अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो एक डेढ़ घंटे से और अब आपको आपको मन कर रहा है कि आपकी सेम चालू लाइव स्ट्रीम का ही आपको टाइटल चेंज करना है, तो उसका ऑप्शन डायरेक्ट आप लोग अपनी चालू लाइव स्ट्रीम में अपने लाइव स्ट्रीम का टाइटल चेंज कर दो। पहले आपने टाइटल रखा था लेट्स प्ले सीओडी मोबाइल, अब आप टाइटल रख रहे हो लेट्स प्ले फ्री फायर या फिर लेट्स प्ले बीजीएमआई, ये वाला ऑप्शन। या फिर किसी भी कमेंट को अपने लाइव चैट में पिन करने का ऑप्शन, खुद की कमेंट को पिन करना है खुद की कमेंट को पिन कर लो, या फिर किसी व्यूअर की कमेंट को पिन करना है तो उसको पिन कर दो। या फिर आपकी लाइव चैट में कौन कौन कमेंट कर रहा है और कौन कौन आपकी लाइव स्ट्रीम को देख रहा है, अगर ये आपको देखना है, उनके नाम आपको देखना है, तो उनके नाम की लिस्ट देखने का ऑप्शन। और ऐसे कई सारे फीचर्स है यूट्यूब के लाइव स्ट्रीमिंग रिलेटेड, कई सारे ऑप्शन है यूट्यूब के लाइव स्ट्रीमिंग रिलेटेड जिनका यूज मोबाइल लाइव स्ट्रीमर्स अपनी लाइव स्ट्रीम पे नहीं कर पाते हैं। और अगर कुछ लोग करते भी हैं तो फिर उनको बहुत झंझट का सामना करना पड़ता है, उनको ब्राउजर ओपन करना पड़ता है, उसके बाद ब्राउजर में YouTube की स्टूडियो वाली वेबसाइट ओपन करनी पड़ती है, उसके बाद वो ओपन होने के बाद किसी की वो ओपन होती है किसी की ओपन नहीं होती है, डायरेक्ट मोबाइल का वो YT स्टूडियो वाला ऐप ओपन हो जाता है। फिर अगर ओपन हो भी गई वो स्टूडियो वाली वेबसाइट तो उसको एज अ डेस्कटॉप मोड ओपन करना होता है, वो ओपन करने के बाद फिर आपको जो भी काम करना है वो ऑप्शन ढूंढना होता है, फिर वो ऑप्शन ढूंढने के बाद वहाँ पे टच करना होता है, ऐसे कई सारे झंझट करने के बाद आप लोग वो ऑप्शन को एक्सेस कर पाते हो जो लोग भी मोबाइल से एक्सेस करते भी हो। तो यही सारे काम को आसान बनाने के लिए मैंने ये एंड्रॉइड ऐप बनाया है जिसका नाम है लाइव कंट्रोल स्टूडियो बाय एक्सपोजर, जो कि आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, और इसकी प्ले स्टोर की डाउनलोड लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग टच करके डायरेक्ट इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। और इस ऐप में आप लोग जो भी मैंने अभी तक फीचर बताया, जो भी मैंने ऑप्शन बताया, ये ऑप्शन और भी कई सारे ऑप्शंस को आप लोग बहुत ही इजी तरीके से कर पाओगे अपने मोबाइल पे ही। कैसे, चलो बताता हूं। तो जब आप लोग प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे लाइव कंट्रोल स्टूडियो, तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद जब आप लोग पहली बार इस ऐप को ओपन करोगे तो पहली बार आपको क्या सेटअप करना है मैं आपको बता देता हूं। पहली बार ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी, यहां पे आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको किसी भी अपने जीमेल आईडी से इस ऐप में लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपनी एक जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने टच कर लिया अपनी एक जीमेल आईडी और यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी, यहाँ पे एक हिसाब से बोले तो आपको यूट्यूब दिखाई देगा, बट यहाँ पे बस एक्स्ट्रा एक नीचे गेट स्ट्रीम कोड का ऑप्शन है जिसका आपको कहाँ यूज करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पे ऊपर ये जो प्रोफाइल पिक्चर वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको टच करना है और यहाँ पे आपको अपने यूट्यूब चैनल से लॉगिन कर लेना है, यहाँ पे साइन इन कर लेना है अपने यूट्यूब चैनल से, उसी चैनल से लॉगिन करना है जिस चैनल पे आप लोग लाइव स्ट्रीम करते हो, उसी चैनल से यहाँ पे इस यूट्यूब में लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फटाक से अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ एक मिनट के अंदर। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर वो आ चुकी है, मतलब यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अगर आपके सेम जीमेल आईडी पे मल्टीपल चैनल्स है तो आपको इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर पे टच करना है और यहाँ पे जो आपके नाम के बाजू में जो एक छोटा सा एरो है उसके ऊपर टच करना है और आपको आपका सही चैनल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जिस चैनल पे आप लोग लाइव स्ट्रीम करते हो, ये काम आपको ध्यान से कर लेना है। वो चैनल आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद यहाँ पे आप लोग बैक आ सकते हो। इतना काम आपको फर्स्ट टाइम खाली सेटअप करना है, फर्स्ट टाइम बस आपको इतना करना पड़ेगा, इसके बाद आपको बार बार ये सेटअप नहीं करना पड़ेगा। इतना सेटअप करने के बाद अब आप लोग जब भी लाइव जाओगे अपने यूट्यूब चैनल पे, किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप को यूज करके आप लोग जब भी लाइव जाओगे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, यहाँ पे आपको उस ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर पे टच करना है, योर चैनल पे टच करना है और आपके खुद के चैनल पे जाके जो आपकी लाइव स्ट्रीम चालू है अभी, जो खुद की आपने लाइव स्ट्रीम अभी क्रिएट किया है, वो लाइव स्ट्रीम को एक बार प्ले करना है और उस लाइव स्ट्रीम को प्ले करके यहाँ पे नीचे एक बार गेट स्ट्रीम कोड वाली बटन को टच कर देना है। गेट स्ट्रीम कोड वाली बटन को टच करने के बाद आप लोगों के सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। बस ये स्क्रीन आ गई, बस
अब सारा काम आपका यहाँ से आसान हो चुका है। और देखो एक बात आप लोग ध्यान रखो, गेट स्ट्रीम कोड वाले बटन को आप लोग तभी टच करना जब आप लोगों ने अपनी लाइव स्ट्रीम को प्ले कर लिया। अपने लाइव स्ट्रीम को एक बार प्ले करो और नीचे जाके तुरंत गेट स्ट्रीम कोड वाले बटन को टच करो, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब ये स्क्रीन एक बार आ गई तो आप लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हो इस ऐप को, और यहाँ पे आप लोग जाके अपने गेम को, यहाँ पे मैंने गलती से अपना गेम ही क्लोज कर दिया, आप लोग अपने गेम को ओपन कर सकते हो और लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। अब मैं वहाँ पे आपको उस ऐप में वो सारे बटन की जो ऑप्शन है वो मैं बता देता हूँ कि उन सारे बटन से आप लोग क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे आके आप लोगों को समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला बटन मिल जाता है लाइव चैट का। यहाँ पे आप लोग अगर लाइव चैट पे टच करते हो तो लाइव चैट रिलेटेड आपको कुछ भी काम करना है तो आप लोग ये लाइव चैट पे आ सकते हो और यहाँ पे आप लोग अपना जो भी काम करना चाहते हो लाइव चैट रिलेटेड वो कर सकते हो। ये नॉर्मल लाइव चैट नहीं है, ये वो लाइव चैट है जो पीसी पे दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देखो, एक मैंने ट्रायल करने के लिए एक वोटिंग पोल भी क्रिएट किया था, तो आप लोग यहाँ पे वोटिंग पोल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन पे आप लोग टच करो और यहाँ पे आप लोग वोटिंग पोल क्रिएट कर सकते हो। अभी न्यू वोटिंग पोल क्रिएट करना है हाँ या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा वोटिंग पोल क्रिएट करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हाँ एक ऑप्शन में, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ना एक ऑप्शन में। तो ऐसे हाँ ना आपको जो भी वोटिंग पोल क्रिएट करना है वो वोटिंग पोल यहाँ पे आप लोग ऑप्शन डाल सकते हो और आस्क योर कम्युनिटी पे टच कर सकते हो, डायरेक्ट जो आपका वोटिंग पोल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर जो अपना वोटिंग पोल है वो आ चुका है। तो वोटिंग पोल यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया, अब हमारे जो दर्शक है वो यहाँ पे वोट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस पोल को एंड कर देता हूँ, फिलहाल इस पोल का कोई काम नहीं है, इस पोल को हमने एंड कर दिया। अब जो ये आपकी लाइव चैट है, यहाँ पे आपकी लाइव चैट में आपको अगर किसी भी कमेंट को डिलीट करना है या कुछ भी करना है तो आप लोग किसी भी कमेंट को ऐसे टच कर सकते हो, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक कर सकते हो और इस कमेंट को पिन करना है, रिमूव करना है, इस यूजर को टाइम आउट देना है, इसको चैनल से ही हाइड करना है या फिर इसको मॉडरेटर बनाना है, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फटाक से। तो आपको जो भी करना है उस चैनल के साथ, उस व्यूअर के साथ, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर ये मेन चैट में ऊपर थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, इस थ्री डॉट पे अगर आप लोग टच करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पार्टिसिपेंट्स वाला। यहाँ पे अगर आप लोग टच करोगे तो कौन कौन से व्यूअर आपकी लाइव स्ट्रीम पे फिलहाल हैं, कौन कौन से व्यूअर आपकी लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं और आपकी लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, उनका सबका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं खाली खुद अपनी लाइव स्ट्रीम को देख रहा हूँ इसलिए खाली मेरा नाम दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ पे आप लोगों को लिस्ट दिखाई देगी उनके नाम की जो भी व्यूअर आपकी लाइव स्ट्रीम पे है। तो यहाँ पे ये लाइव चैट में आप लोग वोटिंग पोल क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद किसी भी यूजर को टाइम आउट दे सकते हो और सारे ऑप्शंस को यहाँ पे आप लोग एक्सेस कर सकते हो। सारे ऑप्शन लाइव चैट रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो पीसी पे मिलते हैं। इतना काम आपका लाइव चैट रिलेटेड हो गया, अब आपको यहाँ पे सिंपली बैक पे टच करना है। तो जैसे ही आप लोग बैक बटन को प्रेस करोगे अपने फोन में, आप लोग वापस से ये स्क्रीन पे आ जाओगे। अब ये स्क्रीन पे जो सेकंड बटन है, अब मैं आपको उसका यूज बता देता हूँ। सेकंड बटन का नाम क्या है, लाइव चैट सेटिंग। लाइव चैट सेटिंग्स मतलब आप लोग ये बटन को दबा के वो सारा काम कर सकते हो, जैसे सब्सक्राइबर ओनली मोड आपको आपके चैट में करना है या फिर स्लो मोड ऑन करना है आपको आपकी चैट में, या फिर कोई भी कमेंट कर सकता है आपकी चैट में, वो सारी जो लाइव चैट रिलेटेड सेटिंग्स होती है वो सेटिंग्स को आप लोग यहां से एक्सेस कर सकते हो। तो यहां पे आपको सिंपली सेकंड वाले बटन पे टच करना है, अब यहां पे आपके सामने डायरेक्ट वो पेज लोड हो जाएगा जहां पे आप लोग सब्सक्राइबर ओनली मोड, स्लो मोड वगैरह ऑन कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे, जितना आपका इंटरनेट स्पीड है उतना जल्दी ये लोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको डायरेक्ट ये स्क्रीन पे आप आ चुके हो, यहां पे आप लोग एनीवन के अनकमेंट या फिर सब्सक्राइबर ओनली मोड आप लोग यहां पे ऑन कर सकते हो, उसका टाइम सेट कर सकते हो, आपको कितने ड्यूरेशन सब्सक्राइब करके कितना टाइम हो चुका रहना चाहिए उस व्यूअर को तभी वो कमेंट कर पाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। स्लो मोड ऑन कर सकते हो अपनी चैट में, कितने सेकंड का स्लो मोड ऑन करना है वो यहाँ पे टाइम आप लोग डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव बटन पे टच करना है। सेव बटन पे आप लोग टच कर दोगे, यहाँ पे सेव हो जाएगा, यहाँ पे एक बार सिंपली बैक कर दो। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सेकंड बटन का भी यूज़ बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड बटन का क्या यूज़ है। तो थर्ड बटन का नाम आप लोग पढ़ सकते हो, एडिट स्ट्रीम इन्फो। इस बटन को दबा के आप लोग अपनी स्ट्रीम की इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो, मतलब अपनी स्ट्रीम के टाइटल को चेंज कर सकते हो, अपनी स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आपको आपकी स्ट्रीम को प्राइवेट करना है, पब्लिक करना है, या फिर अपनी स्ट्रीम को अनलिस्टेड करना है, वो सारा काम जो है वो यहाँ से आप लोग कर सकते हो अपनी चालू लाइव स्ट्रीम के बीच में। अगर चालू लाइव स्ट्रीम के बीच में आपको टाइटल चेंज करना है, बस ये पेज पे आओ, ये स्क्रीन पे आओ, यहाँ पे एडिट स्ट्रीम इन्फो पे टच करो आप लोग सिंपली एक बटन पे और डायरेक्ट वो पेज लोड हो जाएगा जहाँ पे आप लोग अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हो अपने लाइव स्ट्रीम के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आ गया, यहाँ पे मैंने अपने लाइव स्ट्रीम का नाम रखा है लाइव कंट्रोल स्टूडियो ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे मैं टच करूंगा और इसके आगे मुझे जो कुछ भी लगाना है टाइटल में या फिर उसको जो कुछ भी चेंज करना है वो चेंजेस करूंगा, डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करना है वो कर सकता हूँ, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। वो सारे चेंजेस करके आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेव पे क्लिक करो, सेव पे क्लिक करके यहाँ पे बैक बटन प्रेस कर दो। जैसे ही आप लोग बैक बटन प्रेस कर दोगे आप लोग वापस से ये स्क्रीन पे आ जाओगे अपने जो लाइव कंट्रोल स्टूडियो का होम पेज है। यहाँ पे जो चौथी बटन है वो है YT स्टूडियो डेस्कटॉप साइट वाला। इस बटन को आप लोग दबाओगे तो आप लोग डायरेक्ट अपने जो YT स्टूडियो की जो डेस्कटॉप साइट होती है जिसको ओपन करना आपको काफी कठिन जाता है अपने ब्राउजर में, यहाँ पे सिंपली उस बटन को टच करो, आपकी जो YT स्टूडियो की जो डेस्कटॉप साइट है आपके चैनल की वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो अभी जिस चैनल पे मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ उस चैनल पे 0 सब्सक्राइबर, इसलिए
ये वाला चैनल मेरा डेस्कटॉप साइड जो है मेरी स्टूडियो की वो ओपन हो चुकी है। इस पे भी आप लोग जो कुछ भी करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पे मैं बैक प्रेस कर देता हूँ वापस से। तो यहाँ पे ऊपर की चार बटन्स का यूज मैंने आप लोगों को बता दिया कि उनको दबा के आप लोग क्या क्या कर सकते हो। अब जो नीचे की लास्ट बटन है जो आपको एक अलग कलर में दिखाई दे रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट बटन है, उसके बारे में भी जान लो। जब आप लोग नेक्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम करोगे, ये लाइव स्ट्रीम जो भी लाइव स्ट्रीम आपकी चालू है ये लाइव स्ट्रीम को एंड कर दोगे और आप लोग अगले दिन जब फिर से लाइव स्ट्रीम करोगे और इस ऐप को ओपन करोगे, तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको, इस ऐप को फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। अगली बार जब आप लोग लाइव स्ट्रीम क्रिएट करोगे और इस ऐप को ओपन करोगे तो आपके सामने डायरेक्ट ये स्क्रीन आएगी स्टार्ट वाली। यहाँ पे आप लोग स्टार्ट दबाओगे, अब यहाँ पे लॉगिन नहीं करना पड़ेगा आपको, तो डायरेक्ट स्टार्ट बटन दबाओगे तो आपके सामने यही लाइव कंट्रोल स्टूडियो वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यूट्यूब ओपन ही नहीं हुआ, मतलब यूट्यूब ऐप ओपन ही नहीं हुआ। तो आप लोग कैसे वहाँ पे बताओगे कि आपको कौन से लाइव स्ट्रीम की सेटिंग यहाँ पे लोड करना है इस ऐप में? तो यहाँ पे आपको सिंपली नई लाइव स्ट्रीम क्रिएट करने का, जब आप लोग सेकंड टाइम अगले दिन लाइव स्ट्रीम चालू करोगे तो यहाँ पे आके गेट न्यू स्ट्रीम कोड वाले बटन पे यहाँ पे आपको दबाना है। गेट न्यू स्ट्रीम कोड वाले ऑप्शन पे दबाओगे तो आप लोगों का फिर से यूट्यूब वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। फिर वही जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अपने खुद के चैनल पे जाना है और आपकी जो लाइव स्ट्रीम चालू है उस लाइव स्ट्रीम को टच करना है, और उस लाइव स्ट्रीम को टच करने के बाद यहाँ पे नीचे गेट स्ट्रीम कोड वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है, वो बटन दबा दोगे। अब ये जो नई लाइव स्ट्रीम है हमारी जो आपने आज चालू की है उस लाइव स्ट्रीम की सेटिंग यहाँ पे इस ऐप में लोड हो चुकी है। तो अब इस ऐप को आप लोग लैंडस्केप मोड में पकड़ सकते हो, लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। जब भी आपको आना है यहाँ पे आओ, लाइव चैट वाले ऑप्शन पे दबाओ और यहाँ पे सारे फीचर्स को एक्सेस करो। तो गाइज ये थे वो कुछ फीचर्स जो मैंने अब तक इस ऐप में ऐड कर रखे हैं, जितने भी मेरे दिमाग में है कि मैं ये सारे फीचर्स को ऐड कर सकता हूँ और मोबाइल लाइव स्ट्रीमर्स के ये काम को मैं आसान बना सकता हूँ अपने ऐप में, वो मैंने किया हुआ है। और क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप ये ऐड करो वो ऐड करो, तो मैं उसको भी ऐड करने की कोशिश करूंगा इस ऐप में। और इसके आने वाले अपडेट्स में हम लोग इस ऐप को और अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और क्या इंप्रूव करना है वो आपको मुझे बताना है, मैं कोशिश करूंगा उस चीज़ को इंप्रूव करने का इस ऐप में। कमेंट कर सकते हो कहीं पे भी। और आपको एक और चीज बता दूं कि ये ऐप ना ही आपका ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा ना ही आपका ज्यादा डेटा कंज्यूम करेगा, तो उसके लिए आप लोगों को कोई डरने की बात नहीं है कि ज्यादा बैटरी उतरेगी आपके फोन की, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इस ऐप से, ठीक है? तो वो तो आप लोग दिमाग से निकाल ही दो। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो के नीचे या फिर इस ऐप के ऊपर कुछ भी कमेंट करने से पहले आप लोग ये बात जरूर ध्यान रखना, मैं एक IT इंजीनियर नहीं हूं, मैं एक ऐप डेवलपर नहीं हूं, ठीक है? मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैं ना ही एक IT इंजीनियर हूं, मैं ना ही एक ऐप डेवलपर हूं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, बट स्टिल मैं लाइव स्ट्रीमिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। मैं खुद एक लाइव स्ट्रीमर हूं, मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूं, तो मुझे बहुत पता है कि लाइव स्ट्रीम करते हुए, मोबाइल से लाइव स्ट्रीम करते हुए क्या प्रॉब्लम को फेस करते हैं हम मोबाइल लाइव स्ट्रीमर्स, क्या प्रॉब्लम फेस करता है एक स्ट्रीमर। तो उन्हीं काम को आसान बनाने के लिए मेरी एक बस कोशिश है ये ऐप कि मैं मोबाइल लाइव स्ट्रीमर्स के उन काम को आसान बना पाऊँ। तो अगर ये ऐप आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, लाइक कर देना इस वीडियो को अगर ये वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो, और ऐप में और क्या क्या फीचर्स ऐड करना है वो आप लोग मुझे कहीं पे भी कमेंट करके बता सकते हो, चाहे प्ले स्टोर पे कमेंट करो, चाहे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, आप मुझे बताओ। और अगर आपके फ़ोन पे इस ऐप में कुछ सही से काम नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ भी एरर आ रही है, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि भाई ये काम करने में दिक्कत हो रहा है, मैं आपको रिप्लाई करके वहाँ पे उसका सोल्यूशन बता दूंगा या फिर इस ऐप के अपडेट में उस चीज़ को हम लोग फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत टाइम से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत सारी गलतियाँ हुई ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, उम्मीद करता हूँ एट द एंड ये वीडियो अच्छी बनेगी एडिट करने के बाद में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल की और भी वीडियोज जाके देखो, ज़्यादातर वीडियोज मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग रिलेटेड है, लाइव स्ट्रीमिंग रिलेटेड है, तो लाइव स्ट्रीमिंग रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना।